वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका पबजी मोबाइल लाइट की एक और न्यू तबाहीदार गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर गेम प्ले वीडियो तो होगा बट न्यू गेम प्ले वीडियो नहीं होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे न्यू पुराना मतलब, तो मैं बताता हूँ भाई। तो देखो यार, मैंने एक साल पहले अपने चैनल पर गेम प्ले वीडियो जो अपलोड किया है वो मैं देखने वाला हूँ, और वो मेरे चैनल का फर्स्ट गेम प्ले भी बोल सकती हूँ। उससे पहले ना मैं अपडेट्स रिलेटेड और विनर पास और भी जो भी टॉपिक मिलते थे उस टाइम पे, उन सब पे मैं वीडियो बनाता था। तो मैंने ना फर्स्ट टाइम वो एक गेम प्ले डाला था, तो वो आज हम देखने वाले हैं। और देखना आप लोगों को फर्स्ट टाइम उस टाइम गेम प्ले डाला था और कैसे मेरी कमेंट्री थी और क्या क्या है, वो आप लोग देखना गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे, और यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। देखना पड़ेगा भाई, एक साल पहले जाना पड़ेगा मुझे, तो काफ़ी सारे स्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अभी 11 मंथ पहले, और यहाँ पे 1 ईयर, और यहाँ पे मेरे को गेम प्ले वीडियो मिल चुका है जो जेके गेमर के साथ था। और अब देखने वाले हैं इस वाले गेम प्ले वीडियो को। तो भाई बैठ जाओ और यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। चलो यार, इस गेम प्ले वीडियो को इंजॉय करते हैं, लेट्स गो। हेलो पबजी लवर, तो क्या हाल चाल। तो गाइस यार, निंजा आर्मी की फर्स्ट गेम प्ले में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, इतने दिनों से गाइस मेरे यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि यार अभी तक यार पबजी लाइट का कोई भी कंटेंट अपलोड करने के लिए यार कुछ भी टॉपिक ही नहीं है। तो यार मैंने सोचा यार गेम प्ले डाल दिया जाए। तो गाइस बात करें इस वाली गेम प्ले में, तो यार इस वाले गेम प्ले में आपको काफी सारा क्लच देखने को मिलने वाला है, भर भर के क्लच देखने को मिलेगा इस वाले गेम प्ले के अंदर। एंड सर, इस वाले गेम प्ले मैं खेल रहा हूँ गाइस, मेरे साथ खेल रहे हैं यहाँ पर जेके गेमर, जिसे यार आप लोग जानते होंगे। तो यार ये भी हमारे मैच के अंदर, और गाइस यहाँ पर देखते हैं यार किसके ज्यादा किल होते हैं। एंड यार मैं आपको बता दें, जेके गेमर का आपको पर सस्ता नशा बहुत देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यार पता नहीं है जेके गेमर पबजी लाइट से सस्ता नशा लेने लगा है, और यहाँ पर यार काफी सारा सस्ता नशा करने वाला है हमारा जेके गेमर। एंड गाइस बात करते हैं इस वाले गेम प्ले की, तो यार इस वाले गेम प्ले हम उतर चुके हैं न्यू वाले स्पून आइलैंड के अंदर। और गाइस न्यू वाले स्पून आइलैंड में उतरते गाइस मेरे को मिल जाती है यहाँ पर UMP-45 एंड गाइस उसी के साथ स्कार एल। तो यार यहाँ पर तुम्हारा भाई तबाही काफी करने वाला है। तो यार यहाँ पर मैं दो बंदों को नॉक कर दिया, एंड गाइस एक को यहाँ पर फिनिश भी कर दिया है। उसके बाद गाइस यार मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत लूट वगैरह करने लगता हूँ, गाइस लूट कर ही रहा था गाइस, मेरे को यहाँ पर एक मिलता है नॉक बंदा, जो यार मैंने नॉक किया था गाइस वो वाला बंदा था। तो यार मैं इस वाले बंदे को जल्दी से फिनिश करता हूँ गाइस, इस वाले बंदे को मैं फिनिश कर ही रहा था गाइस मेरे पीछे से यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट गेम प्ले था जिसके अंदर मेरा वॉइस ओवर इतना बेटर नहीं था, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे पास ना माइक नहीं था उस टाइम पे, मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड करता था वीडियो को, तो इतना अच्छा वॉइस ओवर नहीं था। फर्स्ट टाइम गेम प्ले की कमेंट्री कर रहा था, तो मेरे से इतने बेटर हुई नहीं है, बट आप लोग आगे इंजॉय करिए। मेट का एक बंदा जो कि सर मेरे पीछे था, उसके अंदर वो बंदा ऐसा था यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये रियल है या बॉट है। यार ये इनका ही टीममेट का बंदा था और ये रियल था। ओके यार, ये इस बंदे को मैंने इतना सारा डैमेज दिया, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं मर रहा था। तो गाइस इस वाले बंदे को मारने के बाद गाइस जो पूरी की पूरी स्क्वाड थी यहाँ पर वो खत्म हो चुकी है। एंड की सब बात आती है यहाँ पर सेकंड वाली स्क्वाड की, तो यार यहाँ पर जब मैं उतरा था तो यहाँ पर दो दो स्क्वाड उतरी थी। एंड की सब बात आती है यहाँ पर सेकंड वाली स्क्वाड की, तो यार ये वाली स्क्वाड को भी यहाँ पर हम लोग फिनिश कर लेते हैं। एंड की ये वाला जो क्लच है गाइस आपको काफी खतरनाक देखने को मिलने वाला है, और गाइस आप लोग इस वाले क्लच को देखने वाले वीडियो को लाइक कर ही दोगे। तो गाइस आपको ये वाला
ये वाला जो मैंने 1v3 का क्लच किया था यहाँ पे भाई, मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि यार मैंने ना उस टाइम पे ये वाला क्लच किया था और उस टाइम पे मेरा नया डिवाइस आया था, मैं इजी बंदों को मार पा रहा था क्योंकि भाई नया डिवाइस था, नो लैग और ऊपर से भाई थोड़ा सा जायरो खेल रहा था, क्योंकि उससे पहले जो फ़ोन था वो लो एंड डिवाइस था 2GB और बहुत ज़्यादा लैग करता था। उसी से मैंने अपने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था उसी के साथ, और उस फोन के अंदर जायरो भी वर्क नहीं करता था, तो इसके अंदर जायरो वर्क करता था, तो यहाँ पे मैं जायरो की प्रैक्टिस कर ही रहा था और साथ मैंने गेम पे रिकॉर्ड किया था। अब आप लोग गेम प्ले को आगे एंजॉय करिए। क्लच कैसा लगा गाइस? अगर क्लच अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मारो, और इनके इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर देना। तो गाइस यहां पर इन बंदों को मारने के बाद गाइस जो हमारा न्यू वाला स्पॉन आइलैंड है वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। उसके बाद गाइस हम लोग यहां पर निकल जाते हैं जेको को लेने के लिए। कर दिया है। उसके बाद गाइस मैं यहां पर आता हूं जेके गेमर को लेने गाड़ी लेकर, ठीक है। तो यहां पर मेरा जो टीममेट होता है एक और होता है जो यार ऑफलाइन चला गया होता है, वहां पर यार एक बॉट आता है जिसे मैं किल कर देता हूं। और गाइस इस वाले बॉट को किल करने के बाद गाइस हम लोग यहां से जाते हैं अपने जेके गेमर भैया के पास, जो यार पता नहीं कौन से सस्ते नशे करके आए हैं, मुझे खुद नहीं पता यार क्या कर रहे हैं। पूरा गेम देखना आप लोग, जो जेके गेमर है यार वो सस्ता नशा ही करेगा, पता नहीं यार क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं जेके गेमर के पास और इसे गाड़ी में बैठा के गाइस हम लोग आगे जाए रहते हैं। यहाँ पर गाइस मेरे को मिलते हैं बंदे, तो गाइस आप लोग देखो इन्हें कैसे मारते हैं। कब गाड़ी रखेगा पता नहीं चलेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे को जायरो खेलना बिल्कुल भी नहीं आता था, और उस टाइम पे मैं जायरो ऑलवेज पे नहीं खेलता था, उस टाइम पे मैं स्कोप ऑन पे खेलता था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले स्कोप ऑन पे उसके बाद ऑलवेज पे, अब तो ऑलवेज खेलता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे बंदू पे अपना जो एम है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आप आगे इंजॉय करिए गेम प्ले को। पता नहीं कौन कहां पर है, मैं खुद कहां पर हूं वही नहीं पता। तो गाइस यार फाइनली हमने ये वाली स्क्वाड यहाँ पर फिनिश कर दी है। उसके बाद हमारे जेके भैया यहाँ पर नॉक होते हैं तो हम इन्हें यहाँ पर रिवाइव कर देते हैं, और गाइस ये लोग पूरे मैच में क्या बोलते हैं आप लोग ध्यान से सुनना। उसके बाद गाइस यहाँ पर मैं आगे आता हूँ, यहाँ पर गाइस हमें देखने को मिलता है एक बंदा जिसे यार कैसे मारते हैं आप लोग देखो यहाँ पर। भाग रहा गाड़ी लेके मार। जिंदगी में एक किल तो मिला। तो गाइस फाइनली हमने इस वाले बंदे की भी यहाँ पर पेटी बना, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पर दो थे और ये अकेला बचा हुआ था, तो ये डर के मारे भाग रहा था, बट यार कोई बात नहीं, हमने इसे पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पर मिलती है फटी हुई गाड़ी, मतलब कि यार डैमेज गाड़ी थी, और गाइस जोन में हमें जाना था तो हमें यहाँ पर आ गए। और गाइस यार यहाँ पर मेरे को कुछ फायरिंग की आवाज़ आई थी, इसके लिए गाइस मैंने यहाँ पर आया। और गाइस यहाँ पर हमें मिलते हैं दो बंदे, और गाइस इन दो बंदों को कैसे निपटाते हैं बस आप लोग यहाँ पर देखिए। तो गाइस इन बंदों ने यहाँ पर मेरे को काफी सारा डैमेज दिया, एंड गाइस उसी के साथ मैंने इनके एक बंदे को यहाँ पर नॉक भी कर दिया है, एंड गाइस अब बारी आती है यहाँ पर सेकंड बंदे को मारने की। पूरा लेट गया, पूरा लेट गया। तो गाइस यार इन बंदों ने भी यार मेरे को काफी बार डैमेज कर दिया, दो बार इन लोगों ने यार इतना सारा डैमेज कर दिया है मेरे को, पर यार कोई बात नहीं यार मैं यहाँ पर बैंडेज वगैरह लगा लेता हूँ। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर आगे आ जाते हैं, और गाइस यार यहाँ पर जब आते हैं तो यार यहाँ पर दो बंदे होते हैं जो ड्रॉप के पास बैठे हुए होते हैं, और देखो गाइस इन बंदों को। तो गाइस उसी के साथ हम लोग यहाँ पर हो जाते हैं फिनिश, और गाइस जो हमारा चिकन डिनर है गाइस वो यहाँ पर नहीं निकलता है। और गाइस यहाँ पर देखो हमारे जेके भैया का सस्ता नशा, पता नहीं यार क्या कर रहे थे, तो पता नहीं है इनका कौन सा सस्ता नशा था, और इन्होंने यहाँ पर दो ही किल किए थे। एंड की सब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड गेम प्ले की, तो यार पहले गेम प्ले में आपको चिकन नहीं दिया था, बट यार सेकंड गेम प्ले में आपको चिकन देखने को मिलेगा। एंड की बात करें इस वाली गेम प्ले की, तो यार इस वाली गेम प्ले में हम लोग उतरे हैं थर्ड डील, और गाइस हम लोग यहाँ पर खेल रहे हैं डुओ वर्सेस डुओ। और गाइस मैं थर्ड डील उतरती गाइस मेरे को यहाँ मिलती है M60A4, और गाइस यहाँ पर एक बंदा ही मिल जाता है, तो यार इस बंदे को पहले बजा लेते हैं उसके आगे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली हमने इस वाले बंदे को भी यहाँ पर किल कर दिया है, और गाइस यहाँ पर आता है इनका टीममेट जो यार काफी गुस्से में आता है अपने दोस्त का बदला लेने, बट यार उस बंदे को भी हम लोग यहाँ पर बजा देते हैं। Enemy
down. तो गाइस इस वाले बंदे को मारने के बाद गाइस इनका जो पूरा का पूरा डुओ था यार वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। एंड गाइस बात आती है यहाँ पर थर्डीन में और भी बहुत सारे बंदे उतरे थे तो अब उन्हें फिनिश करने का टाइम आ चुका है, तो जल्दी से चलते हैं और सारे के सारे बंदों को यहाँ पर फिनिश कर देते हैं। तो गाइस इन बंदों को मारने के बाद गाइस जो हमारा थर्ड डील है पूरा पूरा यहाँ पर खाली हो चुका है। उसके बाद गाइस जो मेरा यहाँ पर एक नॉक बंदा था जिसे मैंने फिनिश नहीं किया था तो मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। तो यार ये बंदे को फिनिश करने के बाद गाइस मेरा जो टीममेट है वो यहाँ पर गाड़ी लेके आ जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं रस करने के लिए। तो उस टाइम मेरे पास न्यू डिवाइस था और न्यू जायरो खेलना स्टार्ट कर रहा था तो इतना बेटर गेम प्ले नहीं होगा, बट आप लोग एंजॉय करिए। इसके साथ गाइस आप लोग यहाँ पर देखना मेरे साथ यहाँ पर क्या स्कैम होता है। तो यार यहाँ पर मैं गाड़ी लेके आया और गाइस यहाँ पर हमें मिलता है हमें पूरा का पूरा एक डुओ और देखो गाइस क्या स्कैम होगा मेरे साथ। तो गाइस आप लोग ने यहाँ पर देखा गाइस यहाँ पर पूरा कपड़ा जो डुओ था गाइस यार मेरा टीममेट यहाँ पर लेकर चला गया है। अगर गाइस यार इन जैसे बंदे अगर गेम के अंदर आ जाए ना तो भाई से बोल रहे हैं गेम प्ले तो कभी जिंदगी में बनेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंदा सारा 3 किल करके ले जाता है और गाइस यहाँ पर मेरे को एक घंटा नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ से निकल के गाइस यहाँ पर आते हैं गाड़ी चेंज करने के लिए और गाड़ी चेंज करने के बाद गाइस मेरे को स्टेडियम से आते हुए एक बंदा दिखाई देता है जिसे यार तुम्हारा भाई कैसे मारेगा देखो। तो गाइस इस वाले बंदे को नॉक करने के बाद गाइस हम लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। गाइस मैं इस बंदे को पूरा फिनिश नहीं करता हूँ और जैसे हम लोग आगे निकलते हैं यहाँ पर गाइस मिलते हैं काफी सारे किल्स, तो आप लोग देखो गाइस यहाँ पर कितना ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस यहाँ पर भी एक डुओ था और गाइस यहाँ पर से एक किल तो मेरे को मिल जाता है, एक किल मिल जाता है मेरे टीममेट को। और गाइस यार जो टीममेट है यार ये मेरे काफ़ी सारे किल चोरी किए हैं इस वाले टीममेट ने। एंड गाइस पहले तो मैं इसे यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ, उसके बाद गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पर आते हैं थर्ड की और गाइस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एक गाड़ी एंड गाइस उसी के साथ बंदा भी देखने को मिलता है। तो गाइस आप देखो इन बंदों को कैसे मारते हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर 3 बंदे थे और तीन बंदों में से पहला बंदा तो यहाँ पर मेरा टीममेट पहले किल कर देता है। उसके बाद 2 बंदे ऊपर बैठे हुए थे उसमें से एक नॉक मैं कर देता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर बचा है लास्ट बंदा इनका टीममेट का और गाइस वो जो बंदा होता है गाइस मेरा जो टीममेट है वो यहाँ पर मार देता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं ये बंदा जो यार मतलब बहुत बड़ा किल चोर है यार, इसने मेरे सारे के सारे किल चोरी किए थे इस वाले गेम प्ले में। एंड गाइस उसके बाद हमें यहाँ पर एक और डुओ देखने को मिलता है और गाइस यहाँ पर मेरे साथ क्या स्कैम होता है आप लोग देखो। तो गाइस आप लोगों यहाँ पर इसी के साथ आप बारी आती है लास्ट किल की, वो भी यहाँ पर ये बंदा ले लेता है। तो भैया यहाँ पर हो जाता है हमारा चिकन डिनर और गाइस तो यही था हमारा बहुत ही पुराना गेम प्ले जो 1 साल पुराना गेम प्ले है और मेरे चैनल का फर्स्ट गेम प्ले भी था। और आप लोगों ने इस वाले गेम प्ले के अंदर देखा भी होगा मेरे को इतना अच्छा जायरो खेलना नहीं आता था और नया नया फ़ोन था तो नए फ़ोन के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस और साथ में जायरो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था गेम उस टाइम पर खेलते हुए। बट हाँ आप लोगों ने गेम प्ले वीडियो देखा तो आप लोग ये बताना मेरे को कि इस टाइम के गेम प्ले आपको अच्छे लगते हैं या पहले का गेम प्ले अच्छा लगता है। मेरे को नहीं लगता कि पहले का इतना अच्छा होगा तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो हाँ गाइस अब मैं आपको इस गेम की बहुत ही कड़वी चीज बताने वाला हूँ। पहले क्या होता था कभी भी आप लोग हॉट ड्रॉप लेते थे और आपको गन मिल जाती तो आप लोग बंदूक ऊपर रस करके ईजी स्क्वाड वाइब या डुओ वाइब ईजी कर पाते थे क्योंकि भाई उस टाइम पे भाई वो बंदे भी आपके जैसे होते थे। बट इस टाइम पे क्या है इस टाइम पे भाई अगर आप लोग रस कर भी देते हो ना ऐसे तो भाई सामने वाला बंदा जो है ना वो कॉन्फिक यूज़र है और उस टाइम पे कॉन्फिक का सी नहीं जानते थे कि हाँ भाई कॉन्फिक नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट इस टाइम पे भाई सारे कॉन्फिक यूज़र हैं तो आपके पास लेवल 3 का वेस्ट हो या कुछ भी हेलमेट हो बट आपको फिर भी भाई यहाँ पर नॉक या फिनिश कर ही देते हैं।
तो पहले भाई हमारा गेम थोड़ा सा सही था, अब तो बेकार हो चुका है। पता नहीं VGMI लाइट कब आएगा, तब ये यार चीज़ सही हो जाए और कन्फी वाले सारे अकाउंट बैन हो, क्योंकि हम लोग कभी भी गेम खेल रहे होते और अच्छा खासा गेम प्ले निकल जाता है, उसके बाद भाई सिक्स एक्स स्प्रे आता है, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ पे, बट वो जीरो रिकॉयल से हमें मार देता है, मतलब बुरा लगता है भाई दिल से। जिस दिन ये सारे अकाउंट बैन होंगे VGMI लाइट आने के बाद, तो भाई ये खुशी बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ भाई अब नॉर्मल गेम हो चुका है, सामने वाला बंदा भी हमारे जैसा है, उसके पास कोई जादू शक्तियाँ नहीं है, तो हम इजी मार सकते हैं। यही था आज की गेम प्ले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो पसंद आई है, अगर आप इसका पार्ट टू चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपके पास कोई चैलेंजेस वगैरह या कोई डेयर वगैरह पड़े हुए हैं PUBG1 लाइट से रिलेटेड, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच हमारी प्यारी सी वीडियो के अंदर आने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपको एक और न्यू तबाहदार गेम प्ले वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।